आरती से पहले विशेष आरती में प्रवेश करेंगे, तो आइए। गुड आफ्टरनून। अभी आज है डेट 17th of February और आज है शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल माई लवली व्यूअर्स। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मुझे छुट्टी है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ और आज मेरा फास्ट भी है और बहुत सालों का फास्ट होगा। सो अभी मैं क्या सोच रही थी कि मंदिर भी जाना था। सो मेरे फ्रेंड्स हैं इधर तो हम मंदिर जाएंगे आई होप, और थोड़ा सा मुझे सामान भी लेना था वो भी लेके आना है। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज जो फास्ट है वो मंदिर में ही तोड़ू। क्या बनता है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्या क्या है। सो चलिए सबसे पहले तो अभी 3 बजे के अराउंड टाइम हुआ, अभी तक मैं थोड़ा बहुत काम करी थी। आफ्टर दैट अभी अब जाके मैं तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कहाँ जाने वाली हूँ और कौन से शिव मंदिर के दर्शन कराऊंगी मैं आज आपको शिमला के। सो कीप वॉचिंग एंड लविंग माई व्लॉग्स। सो हाई गाइस, दिस इज माई फाइनल लुक और मैं बहुत रेयरली जब मुझे टाइम होता है ऐसे रेडी होती हूँ। सो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और फ्रेंड्स को भी कॉल कर दिया, वो मुझे ऊपर ही मिलेंगे। सो दिस इज माई लुक। और थोड़ी इस टाइम ठंड हो जाती है, अभी काफ़ी मौसम डाउन हो गया है शिमला में अभी, और इस बार तो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल भी नहीं हुई गाइस। और अभी शाम को तो ठंड हो जाती है तो सो जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं अपने फ्रेंड से, फिर आपको बताती हूँ कहाँ हम जाते हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो फाइनली मैं चलती हूँ और आपको पीछे मेरे भगवान जी दिख रहे होंगे। तो आज शिवरात्रि में तो हमने मंदिर भी साफ करके रखा है, ऑलमोस्ट साफ ही होता है, तो ये हमारे छोटे से मंदिर है। सो अभी मैं फटाफट निकलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो जैसे ही बाहर निकली तो बाहर बहुत चमचमाती धूप लगी थी और गाइस देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आता है इस टाइम। और मुझे ये स्टेयर्स चढ़नी थी तो मेरी चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ मुझे रास्ते में एज़ यूजुअल ये मंकीज में मिल गए थे जिनकी अपनी ही दुनिया है। गाइस बहुत डर लगता है शिमला में मंकीज से, तो केयरफुली रहना पड़ता है। यहाँ देख लीजिए कितनी तेज़ धूप है आजकल शिमला में और गर्मी पड़ना अभी से ही शुरू हो चुकी है, आगे पता नहीं क्या होगा। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेरी फ्रेंड आ रही थी नीचे से और चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ बहुत बुरी हालत हो जाती है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। और लिटरली गाइस मेरा तो खुद भी बहुत बुरा हाल हो जाता है चलने में ही, तो अगर आप शिमला आते हो तो टास्क बन जाता है। सो हियर इज़ माय फ्रेंड ज्योति एंड ये इसकी दूसरी फ्रेंड थी। सो यहाँ हमने सामान ले लिया था और हम डी मार्ट आए थे, सॉरी डी मार्ट नहीं विशाल मार्ट आए थे, और यहाँ से हमने थोड़ा सा सामान लेना था, बैग में मैंने डाल दिया था। और तब तक थोड़ा शाम सी हो जानी थी और हमने जाना था मंदिर, और मंदिर में यहाँ नियर बाय हम जा रहे थे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जो कि बहुत पुराना है, और साथ ही साथ यहाँ पे शिवलिंग भी था और ऊपर बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको ढींगो माता मंदिर। सो कभी टाइम लगेगा मैं ज़रूर आपको यहाँ भी लेके जाऊँगी। और यहाँ चल रहा था हमारा फोटोशूट और इस तरीके से संध्या होने वाली थी और बैकग्राउंड व्यू अमेजिंग था। अभी मैं आपको मंदिर का व्यू भी दिखाती हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सो हम यहाँ पहुँच गए थे मंदिर में, हमें यहाँ प्रसाद भी दिया भगवान जी ने, हमने पूजा भी कर दी थी, पानी भी चढ़ा दिया था। और इस तरह से यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे, यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष पे यहाँ पर कीर्तन रखा गया था और हमें बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ। और गाइस मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं कराया यहाँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे जो रिलीजियस एरिया वहाँ पे कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने क्लिक की है आपके लिए। तो
सो कीर्तन खत्म होने के बाद, कीर्तन तो कंटिन्यूसली चल रहा था, आरती खत्म होने के बाद हम निकल गए थे वापस रूम की तरफ, और एक तरह से पूजा मैंने यहाँ कर ली थी, सिर्फ रूम में थोड़ा सा खाना वाना खाना था। तो बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ गाइज। हाँ, घर से दूर हूँ क्योंकि इतनी स्मॉल वेकेशन पे आप घर जाते हो तो ज़्यादा थक जाते हो। और बाकी मुझे मम्मा ने कहा था मैं तुझे जो भी पकवान है वो भिजवा दूंगी, पॉसिबल हुआ तो। यहाँ हम सब्जियाँ लेने लग गए थे रूम के लिए क्योंकि संडे था, होल वीक का कोटा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। कैसे लगा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट।